आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ जॉन अब्राहम के पहले प्यार से। थोड़े सरप्राइज भी हो गए होंगे आई एम श्योर, क्योंकि आज तक आपको शायद ये चीज़ आपको बताई तो गई होगी लेकिन दिखाई बहुत कम गई होगी। और आप देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं जॉन के पहले प्यार को। और जॉन इस वक्त उनके साथ में ही है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा कैमरामैन परेश पैन करे जॉन के फर्स्ट लव, जॉन फर्स्ट लव। वेलकम टू जूम जॉन। थैंक यू सलमा, दिस इज़ माई फर्स्ट लव। और मैं आज बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, स्माइलिंग एंड आई एम जोकिंग अराउंड, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये वी मैक्स मेरे साथ है। ये 1700 सीसी की बाइक है, बहुत प्यारी दिखती है और इसको मैं बहुत प्यार से संभालता हूँ। और जब भी मैं आउटडोर पे जाता हूँ तो इसे बहुत मिस करता हूँ मैं, तो आके मैं उसको स्टार्ट करता हूँ इसे सुनने के लिए, सब ठीक है, सब खैरियत है बाइक के साथ। And I'm very happy with her. She's so beautiful. आप देखिए बहुत प्यारी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल जाना, मतलब इतना प्यार अगर कोई गाड़ी को करता होगा तो सोचिए वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी जो जॉन की लाइफ में होगी। लगता है लड़की खुशकिस्मत जो 120% आई एम श्योर शी इज़ वेरी लकी। थैंक यू। एंड यू नो व्हाट, प्रोमो में एक लाइन मैंने सुनी है सैफ अली खान की, जहाँ वो ये बोलते हैं कि ये रेस मेरी है। yeah. तो क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सैफ सही कह रहा है, क्योंकि वो रेस का सबसे पुराना खिलाड़ी है और ये रेस उसकी है। एंड आई थिंक इज डन अ फैबुलस जॉब इन दिस फिल्म। और इनफैक्ट मेरा जो सबसे अच्छा फेवरेट गाना भी है वो सैफ और जैकी के साथ है। और मेरे लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आई थिंक जैकी विल बी द सरप्राइज पैकेज इन दिस फिल्म। और वो गाना लत लग गई है, आई लव दैट, लत लग गई बड़े कर रहे हैं। अभी अगर जैकी होती तो मैं आपको बोलती कि वो जरा जैकी जॉन को वो एक्सप्रेशंस करके दिखाएं। या सो नो, ही उनका काम ऑफ कोर्स सैफ ने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारी जो इस फिल्म में जो इक्वेशन है वन अपमैनशिप की, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी ऑडियंस को देखने के लिए कि कौन किसको हराता है, द फेस ऑफ। या दैट्स अ ग्रेट पार्ट ऑफ रेस। और इसमें हम बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे। And you must see it to see the rest of it. Yeah, we will definitely. John, you know what? आपकी जो personality है, like the fitness, bike, ये वो, ऊपर से अब्बास मस्तान की film, action से भरपूर, तो you enjoyed the film throughout the year. आपके लिए कुछ सबसे exciting part क्या रहा film के? Film की सबसे अच्छी जो मुझे experience रही वो अब्बास मस्तान के साथ काम करने का था, because I'm a big fan of अब्बास मस्तान। और उतना ही नहीं, अगर आप उनसे मिलोगे, अब्बास भाई, मस्तान भाई और हुसैन भाई, उनके जो तीसरे भाई है, दे आर द मोस्ट वंडरफुल ब्यूटिफुल पीपल। तो शायद उनकी वजह से ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी। सो आई थिंक वीव गॉट ग्रेट प्रोड्यूसर्स एंड टिप्स ऑन दिस फिल्म। बट ऑल इन ऑल, रेस एक जॉन अब्राहम तरीके की फिल्म है। धूम, रेस टू, यू नो, दीज आर नेम्स दैट आई लव। तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि आई एम पार्ट ऑफ रेस टू। इट्स अ ग्रेट फिल्म, कास्ट बहुत अच्छी है और वी होप फॉर द बेस्ट। जॉन, आप इंडस्ट्री से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तो मुझे ये बताइए कि इंडस्ट्री में एक जो रेस होती है, उस रेस में कंटिन्यू अपने आप को चलाते हुए रहने के लिए तीन चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपको, लाइक बॉलीवुड में यू हैव टू, उस रेस का हिस्सा बने रहने के लिए? जी, आई जस्ट थिंक मैं उस बारे में टिप्स नहीं दे सकता हूँ। आई कैन ओनली टेल यू दैट मैं खुद की सोचता हूँ, खुद के बारे में, जैसे क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सी फिल्म में एक्ट करना है, उसके बारे में सोचता हूँ। अगर मैं किसी को बोलता, आप सोचिए कि मैं स्पर्म डोनेशन के ऊपर फिल्म कर रहा हूँ, शायद लोग हंसते, आप भी हंसते, बट आई मेड विकी डोना। उस वक्त पे किसने मुझे कुछ सलाह नहीं दी। इनफैक्ट हमारे स्टूडियो एक्चुअली चौंक गए कि आप क्या कर रहे हो। सो आई थिंक यू मस्ट गो विथ योर फेथ। और इसीलिए मैं इस पॉइंट पे ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि मैं किसी के साथ कोई रेस में नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद की फिल्में करता हूँ एज एन एक्टर and as a producer and maybe in the future as a director also, मैं खुद की फिल्में बनाऊंगा, which I have faith in, और वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ये थे जॉन अब्राहम और मैं उनकी बहुत ही खूबसूरत बाइक पर बैठी हुई हूँ। लेट्स होप जॉन रेस टू ब्लॉकबस्टर साबित हो, 2013 आपके लिए बेहद लकी हो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर रेस टू। Thank you. And you got onto my bike. It's a very special thing. Oh, how sweet is that? Thank you so much. And कैमरामैन परेश के साथ सलमा खान, जूम, मुंबई। थैंक यू।